हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमेशा के लिए कूलर में पानी भरने की समस्या ख़त्म। आप देख रहे होंगे, ये सिस्टम देखिए, बस इसमें कुछ नहीं करना आपको, मैं बताने जा रहा हूँ। बस आपको एक पाइप चाहिए, छोटा सा ये छोटा सा पाइप चाहिए, एक नल के लिए पॉइंट चाहिए, और ये आपको ये छेद करना है। एक ये चीज़ देख रहे हैं, ये आपका ऑटोमेटिक कूलर बन जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, बस आपको एक औज़ार चाहिए होगा, हो सके तो ऐसा औजार चाहिए आपको। एक देख रहे हैं आप, ये इसको रिंच पाना बोला जाता है, ऑटोमेटिक रिंच पाना, ये चाहिए एक। चलो हम देखते हैं, आपको एक कूलर दिखा दिया हमने, हमारे सभी कूलर में ऐसा ही सिस्टम कर रखा है ताकि पूरी गर्मी में हमें कभी भी पानी ना भरना पड़े। ऐसा ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये सेकंड कूलर बता रहा हूँ, ये देखिए आप, इसमें आपको दिखा रहे हैं, मैंने बताया आपको हमने सभी कूलर में कर रखा है। ये देखिए, ये छोटा सा सिस्टम है, आपका 10-20 रुपए में काम हो जाएगा। ये देखिए, ये एक बॉल है, ये देखिए बॉल है, इसको मैं भी नीचे करता हूँ। ये देखिए ऐसा सिस्टम है इसमें, इसका भी आप देख सकते हैं, हमने एक पॉइंट लगा रखा है यहाँ पे, और ये पाइप आ रहा है आपके यहाँ पे, ये टेप है, इसको चालू और बंद ऐसे किया जाता है। टेप है, आपको दिख रही है ये टेप, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैंने ये किया है, अब ये देखिए, जैसे ही अगर कूलर थोड़ा सा भी खाली होता है तो आप देखेंगे, ये देखिए पानी आना शुरू हो गया, देख रहे हैं आपको पानी आना शुरू हो गया ना, ये देखिए बंद हो गया पानी। जैसे ही अगर कूलर थोड़ी देर के लिए अगर एक पॉइंट भी खाली हो जाता है, इट मीन्स मतलब 100 ml भी खाली हो जाता है तो वो भर जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सिस्टम कैसे करना है, आप देख लीजिए कितना है, सस्ता सिस्टम है बिल्कुल, कुछ नहीं करना आपको इसमें, ये इतना सा है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ कूलर कैसे काम करता है। ये कूलर चल गया है आपका, कूलर चलने के बाद देखिए पानी आ रहा है ऊपर से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो टेप बंद है, यहाँ से टेप बंद है, जैसे ही अगर थोड़ा बहुत खाली होता है ये पानी आना शुरू हो जाएगा। मैं इसको एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ आपको, ये देखिए मैं एक डिब्बा पानी निकालता हूँ इसमें से, फिर आप देखेंगे क्या होता है। ये मैंने एक डिब्बा पानी निकाला, ये देखिए मतलब कि ओवर फ्लो है अपना, कुछ नहीं होगा। मैं फिर से एक डिब्बा पानी निकालता हूँ इसमें से, देखेंगे अपन, जैसे ही मैंने एक डिब्बा पानी और निकाला, ये देखिए अपना सिस्टम चालू हो गया, आपको दिख रहा है ये। ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए पानी आ रहा है अपना, पानी आने लग गया इसमें। जैसे ही पानी फिल होगा ये अपने आप बंद हो जाएगा। अब इसका बंद करने का, पानी मैं डाल देता हूँ, जो पानी मैंने निकाला है वो जैसे ही मैं इसमें डालता हूँ, आप देखते रहिए, ये मैं पानी डाल रहा हूँ पानी बाल्टी का, ये देखिए ये मैंने पानी डाल दिया पूरा, ये बाल्टी खाली कर दी मैंने, अभी देखिए बंद हो गया सिस्टम, बंद हो गया, देख लिया आपने, ये पानी का यहाँ से जा रहा है, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। इस तरह आपको पानी डालने से आज़ादी मिल सकती है। इसके लिए अब मैं अपना कूलर बंद कर देता हूँ, यहाँ से मैं कूलर बंद करता हूँ, ये मैंने कूलर बंद किया। इसके बाद अपन वापस चलते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मैंने बताया अपने पास ये होना चाहिए एक, अगर ये नहीं है तो ऐसा कुछ देख लीजिए जिसे अपन कस सके, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे लगाना है आपको ये। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि क्या करना है इसके लिए। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, आपका मुश्किल से 50 रुपये में काम हो जाएगा। 50 रुपये में ये मानिए 5 साल तो क्या हमेशा की हो गई, जब तक आपका कूलर चलेगा। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप कूलर लेने जाते हैं तो आपके पास में ये छेद दिया जाता है, देख रहे हैं आप, ये होल, एक होल होता है पानी डालने के लिए, ये देखिए ये होल है एक, जिसमें अपन देखेंगे पाइप को अपन ऐसे डाल के पानी डाला जाता है अपने कूलर का, ठीक है गाइस। लेकिन इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है और फैल जाता है अपने घर में, देख रहे हैं आप, ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके पास ऐसा एक नल होना चाहिए,
अगर नल नहीं है तो आपके आसपास कोई नल हो या कहीं दूर हो तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक ऐसा पाइप लेना है, ये पाइप लेना है आपको, एक दूर हो तो दूर तक ले जाइए, जितना सुटेबल हो उतना करिए आप। उसके बाद में ये निप्पल देख रहे हैं आप, ये अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा मार्केट में मिलता है, 10 रुपये का मिलता है ये, और ये नल अगर सेपरेट हो तो ठीक है, नहीं तो उसी नल में जैसे आप देख रहेंगे ये नल है, ऐसा ही नल ले लेना। इसमें टी पॉइंट और आता है कि इधर से एक नल और निकल जाता है, अगर उसको बोलेंगे अपन कि 2 in 1 दे दो तो दे देता है दुकान वाला, सैनिटरी वाले के पास जाएंगे, या फिर ऐसे ही नल में आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ऐसे नल में आप बड़ी निप्पल लेके इसको फिक्स कर दीजिए, फिक्स करके अब आप सोचोगे निकल जाएगा, निकल नहीं जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसी रिंग आती है मार्केट में, ये रिंग चाहिए आपको, एक ऐसा पाइप चाहिए। अब हमने क्या कर रखा है, हमने कंस्ट्रक्ट इस तरह से करवाया है कि हमने हर कूलर के पास में एक पॉइंट दिया है, ये देख रहे हैं पॉइंट, ये हमने एक पॉइंट दे रखा है, ये एंगल वाल है, ये देखिए ये पानी निकल रहा है, ऐसे ही करा है हमने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मार्केट से जाके ये लेना है एक, ये देख रहे हैं आप, एक बॉल मिलेगी और आपको ये मिलेगा, ये चाहिए तो आप पीतल वाला ले सकते हैं, मैंने प्लास्टिक वाला लिया है सस्ते में काम करने के लिए, बस आपको ये मिलेगा एक, इस टाइप से मिलेगा ये देखिए, थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं ही बता रहा हूँ आपको, तो एक हाथ से कर रहा हूँ। आप देखिए ये ऐसे पैक मिलेगा आपको यहाँ पे, ये ऐसा लेके आना है आपको, एक आपके पास पाइप पड़ा होगा ऐसा, और आपको ये लाने हैं, ये लॉक करने के लिए होता है पाइप को, एक दो जो भी हो, 5 रुपये का एक मिलता है, आप ले आइए, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा आपका, ये 30 रुपये का आएगा शायद, 5-5 रुपये की दो ये आएंगे, एक पाइप होगा, ठीक है, इतना कुछ चाहिए आपके पास, मैंने बोला एक ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, ठीक है गाइस, ये घर का काम है, अपन ही कर सकते हैं, किसी आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको, फ्रेंड्स देखिए ये है आपका, इसको क्या करना है, आपने पहले सबसे पहले इसको इसमें डाल देना है, ये जो होल था उसमें आप देख लीजिए एक बार, और ये जो होल आता है पानी डालने का, इसमें डालना है आपको, आपको ये जो ढक्कन है वो इसमें लगा देना है, उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट लेना है, इसको अपन को यहाँ से, ये देखिए इसको यहाँ से अपन को बस इसको ऐसे जोड़ देना है, ये अपन ने जोड़ा है, इसको दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको सीधा कर देना है, उसके बाद में ये ऐसा होना चाहिए, इसे अपन को टाइट जोड़ देना है इसको, ज़्यादा टाइट नहीं जुड़ना है इसको क्योंकि ये प्लास्टिक का है, फिर ये हो जाएगा, इसलिए अपन को इतना ही जुड़ना है ताकि ये टेढ़ा नहीं हो जाए, इसको ऐसे जुड़ना है, ठीक है, इसको जुड़ने के आपको ऐसा मैंने बताया था, ऐसा होना चाहिए, एक एक पाइप अपन को पाइप इसमें लगा देना है, ये देख लीजिए पाइप, पाइप लगा दिया, ये बहुत टाइट है इसलिए ये लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसके बाद में ये आपको दिख रहा है पॉइंट, इसमें आपको ये डाल देना है, ये रिंग जो है ये इसमें डालनी है पहले, क्योंकि ये लूज है, ये डालने के बाद अपन को इस रिंग को नीचे खिसका देना है, खिसकाने के बाद अपन को इस स्क्रू को टाइट कर देना है, टाइट कर दिया है, ये मैंने टाइट कर दिया है इसको, खूब टाइट हो चुका है ये, अब आप देखेंगे ये अपना सिस्टम बन चुका है, ये आपने देख लिया,
अब जैसे इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये पानी जाना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे अब आवाज़ सुनना इसकी कैसे कर रहा है ये नल। ये ऐसे कर रहा है, ये देखिए ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, इसलिए ये फुल है। ये देखिए अगर ये पानी खाली होता है तो ऐसे पानी आ रहा है। जैसे ही ये फुल बॉल ऊपर जाती है पानी बंद हो जाता है। फ्लोटिंग बॉल सिस्टम है इसमें। ये देखिए आपका इस लेवल से ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल देख लीजिए इतना लेवल है, ये पानी ऐसे रहेगा आपका। ये देख रहे हैं मैंने इसको बंद कर दिया है ढक्कन को। ये पाइप उठा लिया है क्योंकि मैं इसको इसमें से डालने वाला हूँ ताकि पाइप मुड़ के पानी ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए अपन को वापस से इसको इसमें लगा देना है। ये अपन ने अच्छे से लगा दिया है, ये पानी यहाँ से आ रहा है। ये गाइज मैंने इसलिए किया है ताकि ये पाइप यहाँ से उठा हुआ रहे, अगर ये पाइप ऐसे रहेगा तो पानी बंद हो जाएगा, आ नहीं पाएगा। इसलिए या तो आप इसको यहाँ से किसी से बांध दीजिए या फिर आप ऐसे कूलर ऊपर है तो आप इसमें से ऐसे निकाल सकते हैं। इसको मैंने टेप ऑन कर दिया है, या आप वापस से देख सकते हैं पानी बंद है और जैसे मैं बोल नीचे करता हूँ ये पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स अब मैं देखिए कूलर चलाता हूँ, वही सिस्टम हो चुका है यहाँ पे, कूलर चलेगा अपना। ये देखिए मैंने कूलर चलाया, ये चल गया है, अपन वापस इधर आ चुके हैं, पानी आना स्टार्ट हो गया है। पानी नहीं आ रहा है, जैसे ही ये टैंक खाली होगा वैसे ही पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको अपन क्या करना है, अब मैं कूलर बंद करके बता रहा हूँ। जैसे अपन इसको कूलर बंद कर देंगे फिर अपन ने इसको इसमें लगा देना है जैसा भी अपना सिस्टम था, अपन को ढक्कन बंद कर देना है। बॉल हमेशा ऐसे ही रहेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। आप इसको चेक कर सकते हैं महीने दो महीने में ऐसे करके, देखिए पानी आएगा, ऐसे आता रहेगा पानी। मैं इस कूलर को बंद कर दे रहा हूँ। ये देखिए सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, और ये पाइप है, एक नल होना चाहिए, और ये जो अपन लाए हैं 30 रुपये का ये होना चाहिए। महज 50 रुपये में, अब 50 तो क्या, 40 रुपये में आपका काम हो गया है। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा है ये कूलर बन के तैयार हो गया, कभी भी आपको पानी नहीं भरना इसमें। आप देखेंगे बढ़िया हवा आएगी इधर से, आपका पानी आता रहेगा। देखिए कूलर है, देख लीजिए बढ़िया कूलर है, मेरे को बहुत ठंडी हवा आ रही है इसमें से। कूलर चल रहा है अपना, मैं इसको बंद कर देता हूँ, अपना काम हो गया है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा सेकंड कूलर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया था हमने इस, ये प्लास्टिक का कूलर है, इसमें भी हमने ऐसा ही सिस्टम कर रखा है। देख लीजिए मैंने इसमें छेद किया है पहले, एक छेद किया है, वैसा ही सिस्टम लगाया है। ये पॉइंट है, बस इसमें पानी चलना स्टार्ट हो जाता है जैसे हम इसको दबाते हैं। इसको ऑन रखना है हमेशा, इसको हमेशा ऑन रखना है, कभी भी बंद नहीं करना। आपको अंदर से जो बॉल है उसके ऊपर होने से अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कूलर में हमेशा पानी भरना नहीं पड़ेगा, आप हमेशा फ्री रहेंगे। आप जब मर्ज़ी कूलर चलाइए और जब मर्ज़ी सोइए, हमेशा पानी फिल रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए और आप लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं आपका नेक्स्ट अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ। प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा अच्छा वीडियो बनेगा। थैंक यू।